सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स। तो लास्ट व्लॉग में मैंने अपने गाड़ी के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, और जो कि अभी सॉल्व हो चुके हैं। तो अभी हम लोग को पेंट प्रोटेक्शन करना है गाड़ी का। तो गाड़ी है हमारी यहाँ पे, तो अभी हम लोगों को ओवरऑल जो भी स्टिकर्स है, तो यहाँ के मेन जो स्टिकर्स थे बड़े वाले वो तो निकल गए, बट ये वाला और ये चार स्टिकर, ये पाँच, 1 2 3 4 5 रेड वाले सारे स्टिकर निकाल रहे हैं। नीचे का अभी निकाल देंगे बाद में, और रिम स्टिकर्स भी निकाल लें। तो स्टिकर्स निकालते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो स्टार्टिंग जो होगी वो काउल पैनल से करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे स्क्रैचेस है, तो इसे मतलब क्लियर करवाना है मुझे, क्योंकि सिरेमिक कोटिंग होने से पहले ये जो मिरर फिनिश है प्रॉपर होनी चाहिए। तो स्टिकर निकलने के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी दिखाऊँगा। तो निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जो भी एरिया जल्दी एक्सेस कर पाओगे आप, ऐसे एरिया पे आपको नाखून मारना है कॉर्नर पे। सो ये देख पा रहे हो, तो ये उठ गया यहाँ से। तो अब धीरे 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 करके इसे आगे की तरफ पुश कीजिए। अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो ये काम थोड़ा जल्दी और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी नीचे कनेक्शन का कुछ ये नहीं है, पूरी गाड़ी खोल के घर पर लेके जानी पड़ेगी, तो इसलिए अभी हम लोग नीचे ट्राई कर रहे हैं। नागूंगी सर, सो एज यू कैन सी गाइज कि आराम आराम से खींचना है, ताकत लगाओगे तो क्या होने के चांसेस होते हैं वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। ये छोटे स्टिकर्स के साथ वो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़े स्टिकर्स के साथ होगी। तो ये स्टिकर्स हम लोग प्रॉपरली स्टिक कर ले रहे एक पेपर पे, हो सकता है कि मेरे दोस्तों के काम आ जाए। इस साइड का इजीली निकल गया, क्योंकि इस साइड की साइड थोड़ी अभी धूप में गर्म हुई थी। तो गाड़ी भी मैंने क्लीन कर ली है वैसे, ताकि स्क्रैचेस वगैरह कुछ आए ना करके। तो ब्रांड न्यू स्टिकर से, तो इसीलिए हम लोग अच्छे से स्टिक करके रख रहे, काम आ ही जाएंगे आगे। तो अभी पीछे के तो ये वाले निकल गए, मेन दिक्कत होगी वो इनके साथ। तो इनको निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखना कि इन्हें ताकत से नहीं खींचना है, क्योंकि अगर जैसे कि अभी पेंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, तो अगर पेंट क्वालिटी ख़राब हो गई और आप ताकत लगाओगे तो सीधा वो पेंट के साथ ही बाहर आ जाएगा पूरा स्टिकर, फिर मतलब नहीं, फिर आपको पूरा काउल अपना रिपेंट करवाना पड़ेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एडहेसिव देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा रह रहा है, तो वो साफ़ करना ही पड़ेगा, बट स्टिकर्स जो है वो सिंगल पीस में निकल रहे हैं। ठीक है कर जो। तो गाइज़ अभी जैसे कि आपको पता होगा, पहले जो स्टिकर्स आते थे, तो मेरे CVZ के स्टिकर्स भी मैंने एक बार निकालने के लिए ट्राई किए थे, टैंक वाला, जिसमें हेलमेट का वो जो होता है ना वार्निंग। तो ये देख पा रहे हो, ये तो निकालते समय ही फट गया। तो स्टिकर्स की क्वालिटी मतलब गंदी आ रही है, तो उसके लिए आपको टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 साल में भी स्टिकर्स ख़राब हो जाते। तो इतना कुछ ये नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा तो आपको शॉप में जाके करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्टिकर्स की क्वालिटी अभी ओवरऑल गंदी हो चुकी है भाई, पेंट मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है ये लोगों की, तो ये लोग के स्टिकर्स क्या टिकने वाले। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बस संभल के करना है, बस पेंट को डैमेज ना कर दो। सो ऑलराइट, एज यू कैन सी, तो दोनों ही पैनल्स के हम लोगों ने पीछे के निकाल लिए। तो कलर में डिफरेंस अभी ये साफ़ करने के बाद पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को कलर मैच करवाने पड़ेंगे दोनों। तो ये चीज़ भी कैसे हटानी है वो भी बताऊँगा, बट उससे पहले अभी ये सारे आगे के भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो गई कि यहाँ के स्टिकर निकालने के तामझाम नहीं है, और सिरेमिक कोटिंग भी डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें डिकैल्स है नहीं।
तो ये सब हटने के बाद हमारी गाड़ी हो जाएगी पूरी की पूरी जेड ब्लैक। तो उसके बाद मुझे सजेस्ट करो कि हेडलाइट पे भी टिंट करवाना चाहिए या नहीं, वो बताना ज़रूर, क्योंकि मैं लाइट्स अपग्रेड करवाने की सोच रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं करूँगा, या तो हाई पावर LED बल्ब या फिर मिनी ड्राइव्स लगेंगे गाड़ी में। तो कमेंट करके बताना कौन सा सही रहेगा। ये और ये डन। तो सेफली हमने सारे स्टिकर्स रिमूव कर लिए। सारी सिरेमिक कोटिंग है वो पेंटेड सरफेस के लिए ही है, तो यहाँ पे जो भी स्टिकर्स है पेंटेड पार्ट्स पे वो निकालिए, यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ का रहने दे रहा हूँ मैं। ABS का भी रहेगा दोनों साइड का। ये वाला जो छोटा देख पा रहे हो तो बजाज कितनी स्मार्ट है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। सभी गाड़ियों में ये पार्ट जो है इस पर स्टिकर आता है, तो सिंगल पार्ट बस मैन्युफैक्चर करना है और उस पर अलग अलग स्टिकर चिपका के देने। तो यहाँ पे लिखा है N200 and 160 फेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और उस साइड की राइट हैंड साइड है। तो बस सिंपली और यहाँ पे लिखा है ई ब्लैक पर्ल वाइट, मतलब सभी कलर्स यहाँ पे लिखे हुए, मतलब किसी भी कलर का इस पर चिपका दो तो स्टिकर का भी मतलब नहीं है। तो ये भी हटा देते हैं अभी, तो आई होप आपको दिख रहा होगा स्टिकर। सो एज यू कैन सी ये है स्टिकर कुछ इस टाइप से। तो चेसी पे भी जो भी ऐसे छोटे मोटे स्टिकर्स है वो भी प्रॉपर हटा लेंगे हम लोग पेंट करने से पहले। ये देख पा रहे हो गर्म हो के पूरा पापड़ बन गया। तो ये सारे पार्ट्स तो घर पे कोट होंगे, बट जो नीचे कोट करना पड़ेगा वो मेन चीज़ रहेगी ये चेसी। तो चेसी पे भी मैं एक कोट चढ़ाऊँगा। और ये वाला स्टिकर जो है ये भी हमें निकालना है। तो ये पीछे जो ग्लू का एडेसिव है ये भी निकालना कैसे अभी दिखाता हूँ आपको। टायर के जो है वो आप डायरेक्टली खींच के निकाल सकते हो, बट अभी मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे इसलिए मैं टायर के नहीं खोल रहा हूँ। बट आगे का टायर थोड़ा क्लीन है तो वो दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। सो ज़्यादा कुछ दिक्कत वाला है नहीं, यहाँ पे भी एक कॉर्नर पकड़ेंगे और ये तो बहुत चिंदी स्टिकर से ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से निकलेगा, सबसे इजी यही निकला अब तक। तो सिंपली आपको एक बहुत क्लीन कॉटन का कपड़ा ले लेना है। तो ये रुमाल है मेरा, तो अभी इसे हम लोग पूरा गीला करेंगे पेट्रोल से। तो ये हो गया गीला। तो अभी करना क्या, सिंपली बस दिखाता हूँ, सिंपली हल्के हल्के हाथ ऐसे मारने हैं यहाँ पे, एकदम हल्के हाथ, ज़्यादा कुछ ताकत वगैरह नहीं लगानी, एकदम हल्के हाथ मारने। तो कुछ देर के बाद आपको रिजल्ट्स दिखेंगे कि जो भी इसका ग्लू होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे सरफेस जो है वो एकदम चकाचक है और यहाँ पे डार्क ब्लैक है, तो ये थोड़ा सा लाइट है। तो हल्का फुल्का गम हटाने के बाद हमें इसे बफिंग वाले के पास लेके जाना है। तो ये तो हो गया पीछे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं। बट इसकी जगह अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप सिंपली हल्का सा पेट्रोल का कपड़ा लेके इसे अगर आप ऐसे ऐसे मारोगे तो ये जो गम देख पा रहे हो तो ये गम कुछ इस तरीके से हट जाएगा। सो मेक श्योर कर लेना है कि पेट्रोल से कपड़ा गीला हो और आप सारा निकालो। तो यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस पीछे का पैनल हम लोग खोल के लेके जाएंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ करना, अभी वो पीछे का पैनल मैं बफ करके लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आप समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। पूरी मिरर फिनिश ऐसी आ जाएगी उसकी। और नई चीज़ पता चली कि पेट्रोल डाल के कपड़ा जब सूख रहा है थोड़ा बहुत, तब हम लोग घुमा रहे तो अच्छे से जो ग्लू का जो मार्क है वो अच्छे से निकल रहे, जब पेट्रोल ऑलमोस्ट 70% सूख रहा है रुमाल पे। तब अगर आप गीला मार रहे हो तो सब जगह वो स्प्रेड हो रहा है, बट अभी देख पा रहे हो कपड़ा पूरा सूखा है और इस पर बस ग्लू ही ग्लू लगा है। एक आपका रुमाल वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इससे जो भी ओवरऑल है वो गंदगी निकलेगी और स्क्रैचेस नहीं लगेंगे, एक बेनिफिट है इसका। तो ये वाला पार्ट तो बफिंग में जाने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने तो देख पा रहे हो गाड़ी नहीं लेने के बाद स्क्रैचेस मारे। तो
इसी तरीके से हम लोग सारा एक ग्लू निकाल लेंगे। ये देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखेगा आपको, और ये ग्लू गायब। तो इस टाइप से कुछ घुमाना, और इसीलिए मैंने पहले गाड़ी धो ली थी ताकि स्क्रैचेस ना लगे कुछ धूल मिट्टे सरफेस पर हो। और एज यू कैन सी रिजल्ट कि क्लीन सरफेस मिल जाती। तो फाइनल में दिखाऊंगा कैसे क्लीन हुआ है करवाए। तो ऑलराइट गाइस, तो फ्रंट से ब्लैक पूरा, साइड से ब्लैक पूरा, आगे के रिम के भी स्टिकर्स निकाल दे। बस ये भी जिस दिन मैं साफ़ करूंगा गाड़ी सिरेमिक कोटिंग के लिए उस दिन ये निकलेगा, तब वो नीचे के निकालूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आगे तक स्टिकर है और पीछे के रिम पे भी है। बट अभी ऑयल लगाए हाथ गंदे नहीं करने। तो ओवरऑल गाड़ी अपनी ऐसी दिख रही है ब्लैक, तो जेड ब्लैक गाड़ी, मतलब अभी सिरेमिक कोटिंग करने का था। मुझे पहले ये बताना कि इसे पूरा टिंट जेड ब्लैक करना है या नहीं, तो फटाफट कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं लाइट अपग्रेड्स का भी सोच रहा हूँ। अगर टिंट नहीं करना है बोलोगे तो इसमें एलईडी बल्ब डाल देंगे, अगर टिंट करना है बोलोगे तो मिनी ड्राइव्स के अलावा ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फिटिंग का। तो पीछे से भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ग्लू का कोई रेजिडिटिव नहीं है, प्रॉपरली निकल गया। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, क्योंकि किसी ने इतने डिटेल में नहीं बताया जितना मैंने बताया, क्योंकि मैंने दो तीन वीडियो देखा, वो लोग फटाक से स्टाइल में खींचने गए और वो रेड स्टिकर के साथ पूरा पेंट निकल गया। तो प्रॉपरली पेंट प्रोटेक्टेड है, तो बस ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पे स्क्रैचेस लग जाते हैं लोग बैठते हैं उससे, तो ये वाला पार्ट जाएगा हमारा बफिंग के लिए। तो ये बफिंग होने के लिए अभी भी पता नहीं चल रहा है, पूरी ब्लैक है जैसे कि देख पा रहे हो, बट ये हल्के फुल्के जो भी ये स्क्रैचेस नहीं है, ये तो ये गम के मार्क्स है, ये निकल जाएंगे। तो बट फिर भी पॉलिश करके ये जो है मैच करवाऊँगा। तो एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी धोते समय दूर से पानी मारता था, यहाँ पर आपको 19-20 का भी फ़र्क नहीं पता चलेगा कि स्टिकर निकला है। ओके, तो ये स्टिकर निकला है। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट बता देता हूँ कि जब आपकी गाड़ी नई होगी ना, आप उसी टाइम पे स्टिकर निकालना, ऐसा मत करना कि 2-3 महीने बाद निकालोगे, क्योंकि कल स्क्रैचेस वगैरह आ जाते तो वो फटक से नोटिस करोगे। तो ये पुराना पार्ट है, तो यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा, वहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है। तो 200 की बैजिंग जो है मैंने एज इट इज़ रखी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसे हाईलाइट कराएंगे वाइट कलर से, ऐसे ऐसे। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हाईलाइट करवाने वाला हूँ, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी सिरेमिक कोटिंग के ऊपर, तो नेक्स्ट वीडियो में ही सीधा मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी सिरेमिक कोटिंग के ऊपर रहेगी, तो वीडियो मिस मत करना। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि भूल ना जाओ, क्योंकि काफ़ी तगड़े मॉड्स आने वाले। ऑलरेडी मैं गाड़ी पे 10 से ऊपर स्पेंड कर चुका हूँ, और अभी भी ऑलमोस्ट उतना ही स्पेंड होने वाला है गाड़ी पे, तो मॉडिफिकेशन जो है वो काफ़ी तगड़े रहने वाले। तो चैनल को मतलब भूल के भी विदाउट सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो डायरेक्टली, कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा लंबी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में मत आना, सीधा इंस्टा पे आना, सो वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूँगा। सो बाय बाय, पीस।